जय हिंद स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस इज दिव्यांशु पांडे आप सभी डिफेंस वॉरियर्स का स्वागत है आज के इस मंथली डिफेंस करेंट अफेयर्स की क्लास में जहां पर आज हम अक्टूबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे और ये आपकी क्लास आपके आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें हमने टॉप थर्टी इवेंट्स न्यूज़ को कवर किया है इसको आपके साथ हम शेयर करेंगे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन सभी आपके इवेंट के साथ किस से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन पाएंगे तो लगातार आप सभी क्लास में लाइव हो जाओ आशीष रियाज यश स्वीटी देविका मांडवी उर्वशी और जितने भी हमारे अदर डिफेंस एक्सपुर हैं वो सभी शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ क्वेश्चन ऑफ़ द डे पिछली क्लास में आप सभी को दिया गया था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई प्लेन इस प्लेन को आइडेंटिफाई करना है लगातार आंसर आप बताते जाओ इसका आंसर क्या होगा और क्लास लंबी चलने वाली है तो इसके लिए आप सभी अपने कॉपी पेन को लेकर बैठे जिससे कि इंपॉर्टेंट आप इसको नोट डाउन कर सकें तो ये है आपकी कौन सी प्लेन है मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे दिस इज योर सु थर्टी एम के आई जी हाँ ये जो है सुखोई थर्टी एम के आई है रशियन ओरिजिन प्लेन है भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका आपका यूज किया जाता है तो किसने किसने आपका सही आंसर दिया है हाँ संध्या कल की क्लास नहीं हुई थी लेकिन कल की क्लास की पीडीएफ मैंने आप सभी को जो है दे दी है तो उसको आप जाके देख सकते हो एक मिनट वेट करना आप सभी लगातार पहले क्लास से जुड़ जाओ और बताओ जोश जो वोश आप सभी का हाई है कि नहीं कि एकदम डाउन हो गए हो और जो रूबी मैम वाली करंट अफेयर की क्लास थी आप सभी ने कवर किया कि नहीं बताइए आइए वेरी गुड चलो अब शुरुआत करेंगे आज के सेशन की अपने पहले इवेंट के साथ और इस मंथ फर्स्ट अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 98th एट्थ एनिवर्सरी आपकी मनाई है जी हाँ ये आप सभी को पता रहना चाहिए कि हर साल जो हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जिसको हम एम के नाम से जानते हैं उनकी एनिवर्सरी हर साल नाइन्टी हर साल फर्स्ट अक्टूबर को होती है इस बार 2030 में इनकी नाइन्टी एट्थ एनिवर्सरी थी एम में पूरी हंड्रेड परसेंट फीमेल ही ऑफिसर रहा करती है अभी इसकी इनकी स्ट्रेंथ फाइव थाउजेंड ऑफिसर्स की है ओके और इस आपके मौके पर जो है नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर उनकी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एम मेजर जनरल आई डेलॉस फ्लोरा के द्वारा जो है हमारे वीर जवानों को ट्रिब्यूट आपका दिया गया अगर हम बात करते हैं एम की हिस्ट्री की तो कोलोनियल पीर आ, एरा से इनकी हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इनकी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विस के तौर पर ईयर 1888 में आपकी की थी इसके बाद फर्स्ट अक्टूबर 1926 में परमानेंट नर्सिंग सर्विस को रेज किया गया और इस कारण से इनका नाम इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रखा गया और हम हर साल फर्स्ट अक्टूबर को क्या मनाते हैं एम एन एस डे मनाया करते हैं तो पहला इवेंट आपका ये हो गया नेक्स्ट इवेंट की तरफ हम चलेंगे तो देखिए एक बड़ी अपॉइंटमेंट आपकी की गई है ये बड़ी अपॉइंटमेंट क्या है अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड बना दिए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी हाँ थर्टी सितंबर को इनके द्वारा अपना पद को लिया गया और अब ये बी आर ओ की ट्वेंटी एट डायरेक्टर जनरल हैं बी आर ओ का नाम आप सभी जानते हो सीमा सड़क संगठन होता है जो कि भारत की स्ट्रैटेजिक रोड्स को चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ आपका बनाया करती है और इन्होंने किसको आपका सुपर किया है तो सुपर इंडिट हुए गए यानी कि रिटायर्ड हो गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इनका भी कार्यकाल तीन चार साल वर्षों का था और अब इनकी जगह लिया है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्री निराशन के द्वारा और इससे पहले ये जो है डीजीबीआर थे ठीक है साथ ही साथ ये कमांडेंट थे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से इन्होंने अपना और आई में देहरादून से ये पास हुए हैं 1987 बैच के ये आपके ऑफिसर्स हैं ऑपरेशन रक्षक पराक्रम विजय इन सभी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है अगला हमारा जो इवेंट है वो सिम्बेक्स 2023 एक्सरसाइज से संबंधित है तो देखिए सिम्बेक्स का तो फुल फॉर्म आप सभी जानते हो एस फॉर सिंगापुर आई फॉर इंडिया एम फॉर मेरी टाइम बी फॉर बायोलेटल ई एक्स फॉर एक्सरसाइज तो इस बार ये एक्सरसाइज का थर्टीथ एडिशन आपका कंक्लूड किया गया यानी कि ये एक्सरसाइज अब समाप्त हो गई है और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से हमारी आई एस रणविजय जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उसने आपका पार्टिसिपेट किया हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप कावरती और पोसाइडन एट आई एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया वहीं पर पहली बार एक्सरसाइज में आई एन एस सिंधु केसरी जो कि सबमरीन है भारत की उसने भी इसमें आपका हिस्सा लिया था ठीक है ये एक्सरसाइज 1994 से आपकी स्टार्ट है और तीन दशक आपकी पुरानी है और इस बार जो है तीसवीं तीसवा संस्करण इसका आपका कंडक्ट किया गया है सिंगापुर में ही हुआ है ये चलिए नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि अगला इवेंट क्या कह रहा है आपसे तो अगला इवेंट जो है वो एक प्रकार से मेगा इंडियन एयरफोर्स लिस्ट ऑफ देसी प्रोजेक्ट वर्थ ओवर थ्री लाख करोड़ रुपीस तो देखिए भारतीय वायुसेना के द्वारा एक थ्री दश थ्री पॉइंट वन फाइव लाख करोड़ रुपीस का मेगा प्रोक्यूरमेंट लिस्ट निकाली गई है जहाँ पर भारतीय वायुसेना ने बताया है कि हम तीन लाख करोड़ रुपए की लागत से कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं और ये सभी प्रोजेक्ट जो है मेनली मेक इन इंडिया स्वदेश निर्मित अभियान के तहत आपका आगे बढ़ाया जा रहा है इसमें भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में एक लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट जिसको हम प्रचंड कहा करते हैं एक सौ छप्पन एल ओके सॉरी वन एट्टी लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट जो कि तेजस का है एक सौ छप्पन लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर जिसको हम प्रचंड कहते हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शॉर्ट फॉर्म एल यू एच कहा जाता है और अदर वेपनरीज जो है भारतीय वायुसेना इंडक्ट आपके करने जा रही है जो एल सी ए तेजस का मार्क वन ए वर्जन हम ले रहे हैं उसकी कॉस्ट आपकी वन पॉइंट टू लाख करोड़ रुपीज आ रही है ना जिससे कि हम आने वाले समय में 2025 में जब हम मिग 21 को रिटायर कर देंगे तो उसकी जगह कौन ले लेगा तेजस विमान आपके ले लेंगे वहीं पर भारत का लक्ष्य ये है कि वो अपने इकोनॉमी को फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्टअप करें और इतना प्रोडक्शन करें जिससे कि हम खुद के उपयोग का सामान जनरेट कर लें और दूसरे देशों को भी ट्रांसफर करने में सक्षम हो पाए चलिए अगला इवेंट इंडिया गेट थ्री स्टार थ्री आई स्टार एयरक्राफ्ट अंडर सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीज तो भारतीय वायुसेना ने एक और प्रपोजल आपका मूव किया है जहां पर वो अपने एयरबोन इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को आपका खरीदेंगे और उसमें इंडिजीनियस सेंसर टेक्नोलॉजी आपका लगाएंगे तो आई स्टार है क्या तो इसका फुल फॉर्म जान लो आप सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है इंटेलिजेंस सर्वेलेंस ठीक है? जो कि बैटल फील्ड में एन एम की मूवमेंट्स को ट्रैक करेगा रियल टाइम हमको डेटा देगा और हम बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे तो मेनली भारतीय वायुसेना चाहती है कि वो ब्राजील के इम्रेर एयरक्राफ्ट को खरीदे और उसमें डी की के टेक्नोलॉजी एवेक्स को लगाए जिसको हम आई स्टार भी कह सकते हैं जिससे कि हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क कर पाएंगे और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो छः हज़ार करोड़ रुपए आपकी रहेगी चलिए भारत में तो हम बहुत घूम लिए अब आपको मैं ले चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और कहाँ पे चलोगे आप सभी यूके चलना चाहोगे चलिए यूके चलते हैं तो ऑकस की डील में ऑकस एक ग्रुप बनाया गया है हाल ही में अभी 2019-20 में क्रिएट किया गया था जिसमें ए यू फॉर ऑस्ट्रेलिया ए फॉर ऑस्ट्रेलिया यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यू एस फॉर अमेरिका तो तीन देशों का ये ग्रुप है और ये ग्रुप मेनली जो है न्यूक्लियर सबमरीन मेकिंग के लिए है अब ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन जो है यूके की कंपनी के, के द्वारा टोटल फोर बिलियन पाउंड की लागत से आपका बनाकर दिया जाएगा ओके तो ये जो पहले ये न्यूक्लियर सबमरीन थी उसको फ्रांस देने वाला था किसको ऑस्ट्रेलिया को लेकिन अमेरिका और ये जो आपके ऑस्ट्रेलिया हैं पुराने मित्र हैं ठीक है ऑस्ट्रेलिया और आप सॉरी यूएस और यूके आप जानते हो ना पुराने मित्र हैं कि नहीं है अब आप कहोगे सर कैसे पुराने मित्र हैं तो आपको ले चलता हूँ वर्ल्ड वॉर केरह में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिका साथ दे रहा था ना यूके का इसराइल बना था इसराइल में भी दोनों ने मिलकर इसराइल को बनाया हुआ था तो ये चीज़ है तो इन्होंने फ्रांस के हाथ से डील खींच ली और अब जो है ऑस्ट्रेलिया को समरीन बनाकर ये देंगे जिससे कि इनका बिजनेस आपका और भी ग्रो होगा तो इसीलिए हमको बैकग्राउंड आपका जानना चाहिए द फर्स्ट समरी विल डिलीवर इन टू सर्विस इन यूके इन द लेट ट्वेंटी थर्टीज़ एंड द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वंस विल फॉलो इन द अर्ली ट्वेंटी फोर्टीज और ये जो समरीन है इनका एम यही है कि ये एशिया पैसेफिक रीजन में जिसको आप इंडो पैसेफिक रीजन कहा करते हैं वहाँ पर सही तरीके से अपना कार्य कर सके और चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने में सक्षम हो पाए नेक्स्ट इवेंट हमारा फिर से एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो इस मंथ जो है काफ़ी एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की गई हैं इलेवेंथ एक्सरसाइज तो संप्रति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट होती है इस बार इसका कौन सा एडिशन कंडक्ट किया गया है इलेवेंथ ग्यारवा संस्करण किया गया है कहाँ पर किया गया है मेघालय उमरोई में किया गया है ओके और ये एक्सरसाइज आपकी जो है दोनों देशों के बीच एनुअल बेसिस पर कंडक्ट होती है इस एक्सरसाइज शुरुआत सबसे पहली बार 2009 में असम से असम के जोरहट से आपकी की गई थी और पिछले साल इसका दसवां संस्करण आपका किया गया था और इस बार ये एक्सरसाइज चौदह दिन तक आपकी चली जिसमें दोनों साइड्स के थ्री हंड्रेड फिफ्टी परसेंट ने आपका पार्टिसिपेट किया टैक्टिकल ड्रिल्स बेस्ट प्रैक्टिस इंटर ऑबिलिटी को एनहेंस करके इन्होंने काफी कुछ सीखा और जाना अगला हमारा जो इवेंट है वो अपोलो सिस्टम से है अपोलो माइक्रो सिस्टम प्लांस टू सेटअप डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना तो देखिए अब तेलंगाना में जो है अपोलो माइक्रो सिस्टम आ रही है और इनका प्रयास है कि ये तेलंगाना में लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपए के वर्थ से अपने फैसिलिटी को आपका रखेंगी जहां पर थ्री लाख स्क्वायर फिट का एरिया इनको आपका प्रोवाइड किया गया है ओके जहाँ पर ये अपने अपोलो डिफेंस सिस्टम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ आएंगे तो हम देख रहे हैं कि भारत सरकार भी काफ़ी बैक कर रही है जो भारत की कंपनियाँ हैं इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भारत में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं उनसे भी हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को काफ़ी बूस्ट मिलेगा डिफेंस ऑन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेनली दो जगह भारत में एक आपका उत्तर प्रदेश दूसरा तमिलनाडु में आपका बनाया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट इवेंट हमारा इंडियन नेवी ब्रिंग्स आउट डुअल चिप डेबिट कार्ड फॉर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन अब देखो अभी तक तो हमने देखा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है लेकिन अब इंडियन नेवी के लिए एस के द्वारा डूबल चिप डेबिट कार्ड अनवील किया गया है इसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन इंडियन नेवी के पर्सनल आसानी से कर पाएंगे अब देखो मान लेते हैं कि आप ऐसे कहीं जगह पर हो जहां पर आपका कनेक्शन नहीं है और वहां पर आपको अपने कार्ड का यूज़ करना है तो आप आसानी से कर पाओगे इसको नाम दिया गया है एस बी आई एन ए वी ई कैश एन ए वी का मतलब नेवी ई कैश कैन बी यूज इन ऑनलाइन मोड एज रेगुलर डेबिट कार्ड एज वेल एज इन ऑफलाइन मोड वाइल एट सी विथ नो डायरेक्ट कनेक्टिविटी विथ बैंक दिन डिफेंस मिनिस्ट्री सेट आज तो हम देख रहे हैं ना जो फ्लोटिंग लेक्स होती है वहाँ पर भी एटीएम लगा दिया जाता है तो अगर इस प्रकार से कोई फैसिलिटी है तो वहाँ पे भी इस कार्ड का यूज़ जो है वो कर पाएंगे राजनाथ सिंह के द्वारा स्वालंबन 2.0 सेमिनार भी इसी में आपका इनाग्रेट किया गया और ये एक ऐसी चिप है अपने तरह की जिससे कि हम दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन्स आपका कर पाएंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिजिटल इंडिया और कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेकर आपका एक ड्रीम है उनका जो है हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस सिस्टम है वो इससे काफ़ी मजबूत होगा तो आप ही रहे जब जब से कोविड नाइन्टीन आया है तब से और तेज़ी से भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आपके आगे आ रहे हैं अब देखो इससे दो फायदा होता है पहला मान लो आप कितना कैश कैरी कर सकते हो अपने साथ हज़ार दो हज़ार पांच हज़ार दस हज़ार ज़्यादा करोगे जेब फूली फूली रहेगी फिर कोई जेब काट देगा तो मज़ा आ जाएगा दूसरा जेब में मान लो पाँच सौ हज़ार दो हज़ार रुपये जब रहते हैं तो फिर हमको जैसा मेरे साथ क्या होता है मुझे दुकान दिखने लगती है ये भी खा लें वो भी खा लें ये ले लें वो ले लें और पैसा नहीं रहता तो कुछ नहीं दिखता है हाँ मोबाइल में अगर आपके पैसा है यानी कि आपके ट्रांजेक्शन में है तो आप आसानी से कहीं भी उसको कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे कि नोट को रखने की समस्या नहीं होती है और आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं बाकी कूपन ऊपन तो मिल ही जाता है क्यों इंडिया इटली टू अंडरटेक काउंटर टेरर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज तो इंडिया और इटली जो है एक बार इन्होंने फिर से मैनिफेस्टेशन की है कि हम अपने शेयर्ड एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे काउंटर टेररिज्म के लिए जिससे कि काउंटर टेररिज्म को प्रिवेंट करने में किस प्रकार से हम महारत हासिल कर सकें इसके अलावा वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रेडिकलाइजेशन क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट और जो ऐसे देश जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आपकी लाया करते हैं उनको रोकने में क्या एफर्ट किया जा सके इस पर जो है भारत और इटली की चर्चा हुई है कहाँ पर चर्चा हुई है तो भारत सरकार के द्वारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इटली के साथ फोर्थ मीटिंग इंडिया इटली ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में आपका करवाई है ओके हाई लेवल इंडिया इटालियन शेयर व्यूज हो सर्वश्रेष्ठ होते हैं जैसा सोच वैसा कर्म होता है अगर कोई अच्छा सोच रहा है आप कहते हो बहुत अच्छा सोचता है लेकिन गलत करता है यानी कि उस, उसकी सोच आपकी अच्छी नहीं है तो सोच में अगर यानी कि विचार में अगर कट्टरवादिता आ जाए जिसको हम रेडिकलाइजेशन कहते हैं वो किसी 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 भी प्रकार का का हो सकता है, किसी को, किसी का आपका किसी को आपका धर्म बदलना, अपने चलाना, पूरी दुनिया में यही होता है ना कि आप मेरी बात मान लो मेरी बात माने रहोगे तो बचे रहोगे नहीं मानोगे तो फिर हम आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो इसीलिए सभी देश को जो सभ्य समाज है उनको एक साथ आना पड़ेगा और जो भी आपके वायलेंस होते हैं इसलिए हो पाते हैं क्योंकि जो सभ्य समाज है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शांत रहता है बुद्धिमानी इसमें नहीं कि हम शांत रहें बुद्धिमानी इसमें है कि हम उसका प्रतिकार करें चलिए जिसके अकाउंट में पैसा नहीं बचता है तो वो मेरे अकाउंट में डाल दें और वो निश्चिंत रहें ठीक है उनका पैसा मेरे पास रहेगा अगर वो मांगेंगे भी तब पर भी मेरे ही पास रहेगा इससे आपका सिक्योर रहेगा अगला इवेंट एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन एज चार्ज एज चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी तो देखिए वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी के आपके बना दिए गए हैं फर्स्ट ऑफ जुलाई 1987 बैच के ये ऑफिसर हैं कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इनकी स्पेशलाइजेशन है और अब ये हमारे भारतीय नौसेना को चीफ ऑफ पर्सनल के तौर पर आपका असिस्ट करेंगे अगला इवेंट हमारा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन आयरन सॉर्ट जिसको हम ऑफ आयरन भी कह सकते हैं तो दो तरीके से आपके आशीष मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूँगा बस आप लोग पैसा मेरे पास दे दीजिए और दे के आप फिर मांगिएगा नहीं भूल जाइएगा ठीक है जिससे कि आपको सिक्योर भी रहेगा आप जानते हो कि इस मंथ सबसे दर्द विदारक घटना हुई है और वो सबसे खराब तारीख थी सात अक्टूबर तारीखें वैसे खराब नहीं होती हैं इंसानों का जो कर्म रहता है वो खराब होता है सात अक्टूबर को हमास के जिहादी जाहिल कट्टरवादी आतंकवादियों के द्वारा इसराइल में इंटर किया गया जब वो अपना एक पवित्र दिन का त्यौहार मना रहे थे साढ़े चौदह सौ से ज़्यादा इजरायली मारे गए और इसराइल की स्थापना के बाद पचहत्तर साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ये निशंस हत्या हुई है और तीन हज़ार से लोग ज़्यादा घायल हैं इसराइल ने उसके लिए ऑपरेशन शॉर्ट्स ऑफ आयरन आपका लॉन्च किया जहां पर अब इसराइल ने कसम खाई है जब तक हम हमास के आखिरी आतंकवादी को ना मार दे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं और कल भी मैंने आपको बताया था कि हमास ने इसराइल ने इसके लिए अपना सेकेंड फेज का ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है वहीं नितिन याहू ने बड़ी अच्छी बात कही थी इफ द अरब्स ले डाउन देयर आर्म्स देयर विल बी नो मोर वॉर बट इफ इसराइल लेज डाउन इट्स वेपन देर वुड बी नो मोर इज और ऐसा हमने देखा भी है चार पांच युद्ध इसराइल आपका लड़ चुका है और इसराइल अगर आपका हथियार डाल देगा तो भेड़िए जो है उसको नोच खाएंगे और इस प्रकार से ऑपरेशन आपका चल रहा है चौबीस दिन इसको हो चुके हैं ना अमेरिका जो इसराइल का साथ दे रहा है भारत भी इसराइल के साथ आपका खड़ा हुआ है और गाजा फिलिस्ती अगर हम गाजा में देखें तो गाजा के लोग क्या कर रहे हैं खाने की किल्लत हो गई उनको और यूनाइटेड नेशंस का जो वेयर हाउस है उसको वो लूट रहे हैं ये तो पहले सोचना चाहिए ना? आप अपने बच्चों को अपने पूरी जनता को रेडिकलाइज करते जा रहे हो वो पैदा हो रहा है तो उसके अंदर आप इतना जहर भर दे रहे हो तो वो जो विचार करने की क्षमता है सही विचार करने की क्षमता वो ख़त्म हो जाती है अब उनको भुगतान भुगतना तो पड़ेगा अब उनको कंपाउंड इंटरेस्ट कौन दे रहा है उन्होंने अपना जो है क्या मनाया है ट्वेंटी थर्ड रेजिंग डे आपका मनाया है ओके? अगला इवेंट एक बार फिर से एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप नोट no डाउन करते जाइए द एनुअल एच ए डी आर एक्सरसाइज इज आउटकम ऑफ हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव प्रोमोगेटेड ड्यूरिंग कंबाइंड कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस 2015 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपका कहा था कि हमें देखिए ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड एक्सरसाइज को करना चाहिए और तभी से जो है हमारे सेना के द्वारा एक्सरसाइज चक्रवात की आपकी शुरुआत की गई इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टी एजेंसी इंडीवर एक्सरसाइज जिसमें हमारी तीनों सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स और पैरामिलिट्री सर्विसेज आपकी कंडक्ट किया करती हैं 2023 में इसका जो एक्सरसाइज किया गया है उसको इंडियन ओशन रीजन पे आपका लाया गया है और इस बार ये एक्सरसाइज जो है आपकी कहाँ पर हुई है द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इज होस्टेड बाई इंडियन नेवी एट गोवा फ्रॉम नाइन्थ टू इलेवेंथ ऑक्टूबर 2023 तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पढ़ते जाइए अगला आपका इवेंट नागालैंड सेवेंटी फिफ्थ टेरिटोरियल आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन दीमापुर तो देखिए हमारी जो टेरिटोरियल आर्मी है वो अपना स्थापना दिवस हर साल याद कर लो नाइन्थ अक्टूबर को मनाया करती है तो इस बार भी इन्होंने अपना सेवेंटी फिफ्थ टेरीटोरियल आर्मी दिवस आपका मनाया है ओके जहाँ पर सभी आपके शामिल थे और मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ ऐसे एस्पिरेंट्स आप सभी जो कि ग्रेजुएट हो तो वो टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म ज़रूर भर लें और मेरे ख्याल से ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर की ये आखिरी डेट है ना अभी तो समय है अभी शुरू ही हुआ है तो उसको भी आप भर लीजिए जिससे कि आपके पास एक और चांस रहे कि आप भारतीय नौसेना भारतीय थल सेना में जा सकें और इस मौके पर जो है नागालैंड में आर्मी ने अवेयरनेस एंड मोटिवेशन ड्राइव का आपका प्रोग्राम शुरू किया जहां पर स्कूली बच्चों को जो है अवेयर करवाया गया अगला जो हमारा इवेंट है इंडियन आर्मीज ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट टेस्ट एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल तो देखिए भारतीय थल सेना के द्वारा अंडमान एंड निकोबार से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का आपका सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग आपकी की गई ना तो एक्सटेंडेड रेंज मेनली आपका मोर देन 400 किलोमीटर ही था आर्मी भी अब 400 किलोमीटर पर आ चुकी है अगला इवेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है इसको आप सभी नोट डाउन कर लो इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन अजय भारत ने ऑपरेशन अजय को आपका लॉन्च किया है और इसके तहत जो इसराइल में फंसे अठारह हज़ार भारतीय हैं उनको सेफली कैसे इवेकुएट किया जाए इस पर भारत सरकार अपनी नज़र बनाई हुई है और हम अपनी तरफ से प्लेन्स भी भेज रहे हैं जो भी इच्छुक भारतीय हैं वो भारत में उस प्लेन से आपका आ सकते हैं ठीक है बाक़ी इसराइल ने अपनी इमरजेंसी गवर्नमेंट को भी आपका फॉर्म किया है जहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों ही मिलकर सरकार आपके चला रहे हैं और हमास का जो घृणित कार्य है देखो हमास जब हम देखते हैं ना तो हमास अकेले नहीं रहता है हमास क्या एक छोटा तो है इसको बैक कौन करेगा सबसे बड़ा खलीफा ईरान दूसरा कतर ठीक है तीसरा टर्की और ऐसे बहुत सारे देश हैं अरे एक और है क्या नाम उसका भूल गया मैं लेबनॉन समझ गया एक और है आपका सीरिया तो देख लो ईरान कतर टर्की लेबनान सीरिया ये सभी देश हमास को क्या कर रहे हैं फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हाँ तुम लड़ो एक और इसमें बातें देखी गई हैं नॉर्थ कोरिया जो भी हमास के आतंकवादी वेपन्स यूज कर रहे हैं ज़्यादातर वो कहाँ के हैं नॉर्थ कोरिया मेड के हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरिज्म विच इज इम्पोज बाय दीज नेशंस इन इज़राइल तो इसराइल में इन देशों के द्वारा ये आपके चीज़ें फैलाई जा रही हैं और हम जानते हैं कि वो यहूदियों को मिटाने के लिए और पूरे इसराइल पर जो है कब्जा करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट इवेंट हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड ट्वेंटी फर्स्ट नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड मीटिंग तो 12 अक्टूबर को कोलकाता वेस्ट बंगाल में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा नेशनल मैरिटाइम सर्च रेस्क्यू मीटिंग आपकी कंडक्ट की गई जहां पर आईसीजी के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल ने इस मीटिंग को आपका चेयर किया और इसमें हम अपने कोऑर्डिनेशन के साथ इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में कैसे सर्च ऑपरेशन आपका चला सकते हैं इस पर बात की गई किस प्रकार से साइक्लोन आता है लोगों को बचाना अगर किसी प्रकार की स्मगलिंग की जा रही है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं इस पर जो है इसमें आपकी चर्चा की गई है इसकी स्थापना इस बोर्ड की स्थापना 2002 में आपकी की गई थी और उसके बाद से लगातार हर साल इसकी मीटिंग कंडक्ट होती है चलिए अगला हमारा जो इवेंट है डीआरडीओ वेसल आइनस सागर ध्वनि इम्बॉक्स ऑन सागर मैत्री मिशन फोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है आइनस सागर ध्वनि जो है एक प्रकार का भारत का ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल इंडियन नेवी फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी का है जिसको डीआरडीओ ने आपका डेवलप किया है तो अब अपने ये मिशन पर आपका गया हुआ है जहां पर अक्टूबर में साउथ जेट्टी सदर नेवल कमांड से इसने अपनी यात्रा आपकी प्रारंभ की है सागर मैत्री इज नोवेल इनिशिएटिव ऑफ डी आर डी दैट सपोर्ट द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉलिसी डिक्लेरेशन ऑफ सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जिसको हम क्या कहते हैं सागर एस ए जी ए आर के नाम से आपका जाना करते हैं ओके आईना सागर धनी इज अ मैरिन एक्विस्टिक शिप डिजाइन डेवलप्ड बाई दी ओ एल कोची एंड कंस्ट्रक्टेड इंजीनियर बाई दी आर एस सी तो यहाँ से अगर आपसे पूछ ले किसने कंस्ट्रक्ट किया है तो आप बता लेना जीआरएससी ने इसमें टेक्नोलॉजी किसने दी है मेनली आपका डीआरडीओ के द्वारा टेक्नोलॉजी आपका दी गई है जिसका नाम है आइनस सागर ध्वनि नेक्स्ट इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है अगला आपका इवेंट आर्मी इस्टैब्लिशेस फर्स्ट एवर बीएसएनएल बीटीएस ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर तो देखिए भारतीय नौसेना ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पहले बीटीएस सिस्टम को बीटीएस का मतलब होता है सियाचिन ग्लेशियर पर आपका अब तैनात कर दिया है जिससे कि कनेक्टिविटी हमारे सियाचिन ग्लेशियर में काफी बेहतरीन तरीके से आपकी हो पाएगी और साढ़े पंद्रह हजार फिट के ऊपर की हाइट पर कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने के लिए फायर एंड फ्यूरी को जिम्मेदारी दी गई थी जहां पर उनके द्वारा इस बी एस एन एल बीटीएस सिस्टम को आपका अब इस्ट कर दिया गया है अब आप कहोगे सर बीटीएस होता क्या है तो देखिए अ बेस ट्रांस ट्रांस रिसीवर रिसीवर स्टेशन इज रेशियो इन एनी मोबाइल नेटवर्क द बीटीएस कनेक्ट्स मोबाइल डिवाइस टू द नेटवर्क इट सेंस एंड रिसीव रेडियो सिग्नल सिग्नल्स टू मोबाइल डिवाइस एंड कन्वर्ट डेम टू द डिजिटल सिग्नल दैट दिस नेटवर्क हम जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर की तरफ काफ़ी आपके क्या होते हैं अवलांचे आ जाते हैं जिससे कि हमारे जवान दब जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है तो अगर आपके पास सिग्नलिंग रहेगा और वो भी मोबाइल डिवाइस में आपका सिग्नल आता रहेगा तो आप काफ़ी आसानी से उनको सर्च एंड रेस्क्यू कर पाओगे तो इसलिए ये जो बी टी एस ट्रांस रिसीवर स्टेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यश पूछ रहे हैं कि सर हम एन के सिलेबस से क्या टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम दे सकते हैं तो ऐसा नहीं है बच्चों एन की मैथ अलग है क्लास ट्वेल्थ लेवल की रहती है टेरिटोरियल आर्मी की जो मैथ है वो क्लास टेंथ लेवल की रहती है ना जिस बच्चे की मैथ अच्छी है वो काफ़ी अच्छा कर लेगा अब इस बार टी वालों ने क्या कर दिया है एक ही पेपर रखा है ना और सबके पच्चीस 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 क्वेश्चन है सौ क्वेश्चन है दो घंटे में आप कर लो और जिनकी इंग्लिश जनरल नॉलेज मैथ अच्छी है वो तो वो इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल लेंगे कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है बाकी मैंने वीडियो बनाया है मैंने बताया भी है उस वीडियो में कि किस प्रकार से आपके सिलेबस रहा करते हैं हमारे ब्लॉग चैनल पर उसकी आपकी पी और हमने ब्लॉग भी लिखा हुआ है अगला इवेंट एन एस जी टू डेवलप नेशनल लेवल आई डी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके डायरेक्टर जनरल का नाम है एम ए गणपति उन्होंने कहा है कि अब एन अपने आई ई डी इम्प्रूवाइज एक्सप्लोजिव डिस्प्लोजिव मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को आपका बनाएगी जिससे कि हम इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस को जो है इस सॉफ्टवेयर को बनाकर जहां कहीं भी आईडी आपके छुपे रहते हैं या फिर लगे रहते हैं उनको हम डिटेक्ट कर पाएँ और सही तरीके से जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकें तो सब कन्वेंशनल थ्रेट्स अभी एक सेमिनार आपका दो दिन का रखा गया था जिसका नाम था सब कन्वेंशनल थ्रेड्स चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट फॉर डेफिनेट एंड एंड्यूरिंग सोल्यूशन डीआरडी भवन दिल्ली में वहीं पर इन्होंने ये बात कही और कहा कि आई डी डिवाइसेस के लिए हमको सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिससे कि हम सही तरीके से कार्य को आपका कर पाए फॉर्म कैसे भरते हैं तो भैया वीडियो देख लेना ना आप सभी इस चैनल पर ही टेरिटोरियल आर्मी की वीडियो है टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरो आप सभी। आर्मी चीफ प्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड तो भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है आपका जनरल मनोज पांडे हैं, उन्होंने तेरह अक्टूबर को रानीखेत उत्तराखंड में जाकर जो है नागा रेजिमेंट की जो तीसरी बटालियन है उनको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से आपको सम्मानित किया है और ये भारतीय थल सेना की सबसे यंग यंगस्ट बटालियन है जिसको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है द सीओएएस सीओएएस का मतलब होता है चीफ ऑफ द आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कॉम्प्लीमेंटेड द न्यूली रेज यूनिट फॉर देयर रिमार्केबल परफॉर्मेंस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड कन्वेड हिज बेस्ट विशेस टू ऑल रैंक टू सर्व नेशन विद प्राइड नेक्स्ट इवेंट एक बार फिर से हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो देखो एक्सरसाइज सागर कवच का दूसरा एडिशन फिर से जो है दूसरा एडिशन क्या कह लें दूसरा फेज इस बार 11 और 12 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया है जहां पर इस एक्सरसाइज को भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और पुदुचेरी की तरफ आपका कंडक्ट किया इस एक्सरसाइज सागर कवच का मेन उद्देश्य है कि हम अपने सभी मल्टी एजेंसीज को लेकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर पाए जिसमें इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड स्टेट ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मरीन पुलिस फिशरी कस्टम इंटेलिजेंस एजेंसी लाइट हाउस पोर्ट्स ये सभी आपके शामिल थे और इस एक्सरसाइज का मेनियम यही है कि हम अपने सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स को कोस्टल एरिया में एक प्रकार से स्किल अप कर सकें कि, कि किसी प्रकार की अगर चुनौती हो तो उसका सामना हम आसानी से मिलकर कर पाए अगला इवेंट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस कॉन्ट्रैक्ट विथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड तो देखिए चलिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है आपका इस एक मिनट आप देना चलिए तो जैसा मैं आप सभी को बता रहा था एक और आपका हम कह सकते हैं कि प्रोक्यूरमेंट की डील आपकी साइन की गई है इस प्रोक्यूरमेंट में जो है अब मिनिस्टर डिफेंस ने सिक्सटींथ अक्टूबर को नई दिल्ली में आइनस ब्यास को आपका मिड लाइफ अपग्रेड और रीपावरिंग करने के लिए आपका कोचिंग शिपिया लिमिटेड से आपका करार किया है जहां पर अब इसके रीपावरिंग हम कह सकते हैं कि इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए लगभग दशमलव चार दो करोड़ रुपए आपके लगेंगे ठीक है आस इज द द फर्स्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट टू बी फ्रॉम स्टीम टू डीजल प्रपलशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिड लाइफ अपग्रेड एंड रीपावरिंग इन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स आयन एस ब्यास विल ज्वाइन द एक्टिव फ्लीट तो देखिए मॉडर्नाइजेशन तो, 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 तो आपका होता ही रहता है साथ ही साथ जिसमें हम कह सकते हैं कि जब भी हम अपने किसी शिप को किसी एयरक्राफ्ट को फिर से जो है उसको पुनर्जीवित करते हैं ठीक है तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि अपने नौसेना को और भी आपका कैपेबल बना सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड शिप में अब देखो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेनिंग शिप फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड विद मजगा डॉक लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ थ्री हंड्रेड करोड़ रुपीज अंडर बाई कैटेगरी इन न्यू डेली तो यह भी आपका जहां पर इसको आपका कर लिया गया है नेक्स्ट इवेंट हमारा इंडियन आर्मी टू एक्वायर एट इंडियन आर्मी टू एक्वायर एट लैंडिंग अटैक क्राट फॉर ऑपरेशन इन क्रीक एरिया अब क्रीक एरिया कहा सरक्रीक में है सरक्रीक कहां पे? गुजरात में है तो गुजरात में इंडियन आर्मी अब क्या कर रही है आठ लैंडिंग एयर अटैक क्राफ्ट को आपका लेगी अटैक क्राफ्ट शिप्स क्या होती है मैंने पढ़ाया भी था आपको एक बार आप सभी देख लो ये देखिए दिख रहा है ना सभी को इस प्रकार की आपकी पानी के जहाज होती हैं जिसके माध्यम से आप काफी ज़्यादा ट्रूप्स को इसमें ला सकते हो इसमें आप टैंक्स रख कर खर, एक जगह से दूसरी जगह आप डिप्लॉय कर सकते हो और हमको चाहिए कि पाकिस्तान के तरफ भी हम ध्यान दें क्योंकि अभी आप देख रहे हो ना हमास वालों ने क्या किया था पाँच हजार से ज़्यादा रॉकेट्स दाग दी थी और दस हजार से हमास के आतंकवादी इसराइल में आपके घुस गए थे अगर इसी इंटेंसिटी पर पाकिस्तान हमला कर दे तो, तो इसलिए हमको पहले से चाक चौबंद रहना चाहिए चाहे जमीन हो चाहे वायु हो या फिर आपका पानी हो सभी में हमारी स्थिति बेहतर आपकी होनी चाहिए नेक्स्ट इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है ऊधमपुर मिलिट्री स्टेशन गेट्स बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड तो इस इस मंथ में इंडियन आर्मी ने बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड आपके जारी किए गए हैं अभी आप जानते हो ना 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो है आपका इंडियन आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली मानिक शॉ सेंटर में कंडक्ट किया गया था जहां पर बेस्ट ग्रीन मिलिट्री अवार्ड आपके दिए गए इसमें बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड ऊधमपुर को दिया गया उधमपुर कहाँ पे है जम्मू में है ओके और इसमें हमारे सी हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सभी मौजूद थे जनरल मनोज पांडे अवार्डेड, फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी फॉर द ईयर 22-23 टू 671 आर्मी एविएशन स्क्वाडन टेनिंग द हाइस्ट स्टैंडर्ड ऑफ फ्लाइट सेफ्टी एंड प्रोफिशियंसी नेक्स्ट इवेंट भारतीय वायुसेना ने इसी मंथ आपका जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एयर टू एयर आपकी टेस्टिंग की और इसी टेस्टिंग के साथ जो है उन्होंने इंडियन आर्मी की कैबिलिटी को भी आपका बढ़ा लिया है सुपरसोनिक स्पीड के साथ इसकी प्रिसाइजली आपका देखा गया और हम जानते हैं कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जो इनिशियल रेंज है टू किलोमीटर है और अब उसको 400 प्लस किलोमीटर आपका कर दिया गया है तो जब भारतीय वायुसेना टू थर्टी से आपकी फायर करती है तो वो मिसाइल 400 किलोमीटर तक जाती है और इसको और भी बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है एक और इवेंट है काफी अच्छा नासिक नेक्स्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ एच तो एच यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अब अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनक्रीज करने के लिए क्या कर रही है एक और नए प्लांट को लेकर आई है वैसे पहले से ही नासिक में था लेकिन अब नासिक में जो है एच हमारी एल तेजस को आपका मैनुफैक्चर करेगी एक मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी बेंगलोर में है दूसरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी वैसे नासिक में भी है नासिक में अब एल तेजस आपके बनेंगे क्योंकि भारतीय वायुसेना की डिमांड है कि हमको 180 एयरक्राफ्ट चाहिए अब 180 एयरक्राफ्ट एक दिन में तो बनता नहीं लगभग आठ से दस एयरक्राफ्ट जो है हमारी एच बना पाती है साल में और इसमें एल के अलावा एस टी टी प्लेन्स को भी बनाना है तो इस कारण से जो 83 फ्लाइट्स का ऑर्डर दिया गया था उसका टोटल कॉस्ट अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपीज़ था अब सोचो अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए में हम कितना एच से ले रहे हैं 83 ले रहे हैं वहीं पर राफेल की कीमत देखोगे आप हमने 36 सिक्स राफेल कितने में लिया है सिक्सटी करोड़ में आपका लिया है तो इसलिए कहते हैं ना स्वदेश निर्मित चीजें होनी चाहिए साठ हजार करोड़ में छत्तीस अड़तालीस हजार करोड़ में तिरासी फिर आप कहोगे अरे सर देखिए दोनों की कंपेरिजन भी तो देखिए यहां कंपेरिजन हम देख सकते हैं और मानते हैं कि राफेल बेहतरीन है लेकिन हमको एलसी तेजस भी तो जैसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि संख्या में ज्यादा हो और वो तो कहा ही करते हैं हम सभी मैन बिहाइंड मशीन और एलसी तेजस का जो मार्क वन वर्जन है वो भी काफी बेहतरीन है उसके मार्क सेकेंड वर्जन पर हमारी डीआरडीओ कार्य भी कर रही है तो ये काफी अच्छी बात है अगला इवेंट है इंडिया प्लांस टू तो इक्विप रशियन ओरिजिन सू थर्टी एम के आई तो भारत भारतीय वायुसेना अब जो है अपने सु थर्टी एयरक्राफ्ट को एक बार फिर से अपग्रेड करके उसमें सबसे बेहतरीन रडार सिस्टम जिसका नाम विरूपाक्ष दिया गया है उसको आपका लगाएगी और ये एक प्रकार का इंडिजीनियस एडवांस रडार सिस्टम है जिसको हमारे भारत में ही आपका बनाया गया है जो अपग्रेडेशन का प्लान है वो आपका सिक्सटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपए का कर रहेगा और इसके तहत एट्टी फ्लो एट्टी फोर प्लेन्स को आपका अपग्रेड किया जाएगा और इसमें रडार्स और वेपन सिस्टम आपके लगाए जाएंगे तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं भारतीय वायुसेना में के पास लगभग टू के करीब आपके टू के एयरक्राफ्ट हैं एक और एक्सरसाइज एक्सरसाइज प्रस्थान इन आंध्र काकीनाडा तो प्रस्थान एक्सरसाइज को नेवल कमांड के द्वारा जो है ईस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर विशाखापटनम में है तो इसीलिए उन्होंने काकीनाडा में इस एक्सरसाइज को आपका कंडक्ट किया गया इंडियन नेवी ने, ने, ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और नेवी के ने, ने, ने ओ और आर फिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म वेदांता को लेकर जो है इस एक्सरसाइज को किया है इसका एम क्या है सो एक्सरसाइज एम एट रिहर्सलिंग रिस्पॉन्स इन हैंडलिंग कंटेजेंसी चेकिंग द इफिकसी ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म तो यहाँ पर नेवी कोस्ट गार्ड ऑयल ऑपरेटर स्पोर्ट अथॉरिटी सभी आपके सम्मिलित थे तो इस एक्सरसाइज में इस बार भारतीय नौसेना की तरफ से आइनस कोरा और आइनस थीआ पार्टिसिपेट उन्होंने किया कोस्ट गार्ड की सिर्फ करकलता बरू कनकलता बरुआ और मरीन कमांडोज ने भी इसमें पार्टिसिपेट आपका किया है अगला हमारा इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो इम्फाल थर्ड स्टील डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी डिलीवर्ड तो मजगाव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड जिसको हम एमडीएल कहा करते हैं उन्होंने अब तीसरी स्टील डिस्ट्रॉयर जिसका नाम इम्फाल है उसको नौसेना को आपका दे दिया है और इस आपके डिलीवरी के साथ भारतीय नौसेना को इनकी तीसरी आपकी प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी की डिस्ट्रॉयर मिल गई है मैं आपको बताता चलूँ कि दो तीन तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी में हम डिस्ट्रॉयर बनाते हैं प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए में हम फ्रिगेट बनाते हैं प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव में हम क्या बनाते हैं सबमरीन बनाते हैं ओके तो एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट जो है साइन किया गया संजीव सिंघल के द्वारा जो कि सीएमडी एम डी हैं एम के स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो इसमें इंडिजीनियस स्टील डी एम आर टू फोर नाइन ए लगा है वन सिक्सटी फोर मीटर लेंथ है इसकी सेवेंटी फाइव हंड्रेड टनस का इसमें डिस्प्लेसमेंट है तीन सौ बारह नाविक इसमें आ सकते हैं फोर थाउजेंड नोटिकल माइल्स इसकी आपकी इंडोरेंस है और फोर्टी टू डेज के मिशन में आपका ये रह सकता है आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस भी इसी मंथ ट्वेंटी अक्टूबर को आपका कंक्लूड कर दी गई है जहां पर एल से लेकर एल तक सभी सिचुएशन को आपका इसमें डिस्कस किया गया है साथ ही साथ जो आपकी सिक्किम में बाढ़ आई थी उसमें हम कैसे आपदा प्रबंधन कर पाए इस पर भी जो है विचार किया गया नेक्स्ट इवेंट इसी आपके आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल है जिसके माध्यम से हम अपने प्राचीन संस्कृति सभ्यता को एक बार फिर से अंजाम दे पाएँ और इसी के तहत चाणक्य डिफेंस डायलॉग की शुरुआत कर दी गई है आप सभी इंडियन आर्मी की ए पेज पर जाकर जो है यूट्यूब में पूरा सेशन देख भी सकते हो सुन भी सकते हो वैसे अभी आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो ठीक है ये सब ना सुनो तो ज्यादा सही है अगला इवेंट मिशन गगनयान इंडियन नेवी यूनिट सक्सेसफुली रिकवर क्रू मॉड्यूल तो देखिए गगनयान जो हमारा मिशन है उसका जो पहला फ्लाइट टेस्ट है सक्सेसफुली आपका कंडक्ट करवाया गया तो उसका जो क्रू मॉड्यूल था उसको सही तरीके से रिकवर जो है भारतीय नौसेना ने आपका किया द क्रू मॉड्यूल प्रिस्क्राइब बाय द इसरो टू बी इसरोवर यूजिंग अ डेडिकेटेड वेसल एंड डाइविंग टीम फॉर द इंडियन नेवी आफ्टर टच डाउन इन द बे ऑफ बंगाल तो इसमें टी वी डी वन टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट वन के तहत पहली टेस्ट फ्लाइट आपकी श्रीहरिकोटा से की गई थी जिसमें ये टेस्ट पूरी तरीके से आपका सक्सेसफुल रहा एक और इवेंट हमारा है थर्टी टू ईयर्स आइनस खंजर को हो गया है जो कि एक प्रकार की भारतीय नौसेना की मिसाइल कॉर्बिटी है नेक्स्ट इवेंट एक्सरसाइज से रिलेटेड है केरला ब्लास्ट में किसका हाथ है देखो भैया केरला ब्लास्ट में जिसका हाथ है वो तो पुलिस के पास चला गया है सॉरी पुलिस के पास वो जा चुका है लेकिन वो जो स्टोरी बता रहा है ना वो गले से नीचे उतर नहीं रही है इसमें बहुत सारे आपके चीजें हैं और एन एस जी हमारी टीम पहुंची हुई है अब उसको देखना होगा किस प्रकार से ये आपकी गतिविधि की गई थी और 2014 के बाद से पहली बार हो रहा है कि इंटरनल भारत में किसी प्रकार का ब्लास्ट आपका देखा गया है ओके एक्सरसाइज हरिमाव शक्ति को देखें तो मेघालय के उमरोई में भारत और मलेशिया के बीच में इस सब कन्वेंशनल सेनारियो के एक्सरसाइज को आपका कंडक्ट किया गया और ये एक्सरसाइज में फिफ्थ रॉयल बटालियन मलेशिया की तरफ से आई और भारतीय थल सेना की तरफ से हमारी रॉयल राजपूत रेजिमेंट ने आपका पार्टिसिपेट किया है इसका प्रीवियस एडिशन मलेशिया में 2022 में आपका किया गया था एक और इवेंट है काफी इंपॉर्टेंट है देख लो एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर टेक्स चार्जेस डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेस तो ये पहली बार है कि, कि ये बन गई है पहली महिला अधिकारी जो कि इस पोजिशन तक आपकी पहुंची है तो यहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें किसका हाथ है अरे भैया पुलिस बताएगी मैं कैसे बता दू किसका हाथ है ठीक है आप ना कह देना गलती से कि मेरा हाथ है भाई गड़बड़ हो जाएगी बहुत हा ग्रेजुएट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे एयर मार्शल साधना एस नायर कमीशन इंडियन एयरफोर्स इन 1985 और थ्री स्टार ये जनरल भी हैं और इतने बड़े पद तक आई हैं शी इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड एंड ट्रेनिंग कमांड अगला इवेंट अभी मैंने देखिए आपको पढ़ाया भी था स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल गेट्स अ कटिंग एज वर्टिकल विन टनल तो हिमाचल प्रदेश बाकलो जहाँ पर पैरासअप का ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर उनके लिए कटिंग एज वर्टिकल विंड टनल को आपका इनोग्रेट कर दिया है और इसके तहत जो है कॉम्बैट फ्री फॉल स्किल जो है हमारे पैराशूट के साथ के सीख पाएंगे तो काफी अच्छी बात है अगला इवेंट भैया कतर का तो कुछ करना पड़ेगा ठीक है ये बाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी इतू सा है लेकिन बयान देख लो इनके इनका कर्म देख लो और भारत को भी देखिए मोदी जी को कहना पड़ेगा थोड़ा छप्पन इनका जिगरा दिखाइए ना और ये आग दिखा रहा है तो इसको सही करिए अब ये इवेंट है क्या तो पिछले साल अक्टूबर नवंबर में भारतीय थल सेना के भारतीय नौसेना के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो कतर में काम कर रहे हैं उनको आपका गिरफ्तार किया गया और इस साल उनको जो है मौत की सज़ा सुना दी गई मौत की सज़ा क्यों सुनाई है और किस चीज़ में डेटा लीक के मामले में सबमरीन डेटा लीक के मामले में ओके और जयशंकर कहें कि हम डीप डीपली शॉक हैं उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं भारत सरकार पूरी कोशिश करेगी कि तो उनको सजा ना हो उनको हम सही, सही समय पर छुड़ा सकें। अब देखिए क्या होता है अब यहां पे तो हमको ताकत अपनी दिखानी पड़ेगी ना नहीं तो गली मोहल्ले के कुत्ते भी हाथी को देख के भौंकने लगेंगे इन अ फर्स्ट इंडिया यू कैरी आउट ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स इन गल्फ ऑफ गुइना तो पहली बार यह हुआ है कि यूरोपियन यूनियन जिसमें फ्रांस स्पेन और भारत सभी ने जो है इस एक्सरसाइज को आपका कंडक्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ के अधीन रहकर जो है इनके द्वारा मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन को आपका गल्फ ऑफ आप यूना में कंडक्ट किया गया है ये एक्सरसाइज चौबीस अक्टूबर को आपकी खत्म हुई है जहाँ पर भारतीय नौसेना की तरफ से हमारी आयन सुमेधा ने पार्टिसिपेट आपका किया था हाँ इसका गेम बजाना पड़ेगा मैं होता प्रधानमंत्री तो कब का बजा देता दो चार मिसाइल फायर कर देता वही कतर की हिम्मत नहीं होगी कि रशिया चाइना या फिर अमेरिका के किसी भी नागरिक को और मेनली वेटरन सोल्जर्स को मौत की सजा सुना यहाँ तक कि वो गिरफ्तार भी नहीं कर सकता है ठीक है तो इसीलिए अगर दम है तो हम भाई दम दिखना भी चाहिए चलो कर्टन रेजर तो हमारी चाणक्य डिफेंस डायलॉग के शुरू भी हो चुका है 26 अक्टूबर से ये आपका शुरू है चार नवंबर तक जो है ये आपका चलेगा और रेगुलर बेसिस पे आपका ये कंडक्ट होगा अगला इवेंट एक्सरसाइज कजिन से रिलेटेड है तो इस बार एक्सरसाइज कजिन का सेवेंथ एडिशन आपका कंडक्ट किया जा रहा है ओके जिसमें ये एक्सरसाइज कजाग्तान में हो रही पहली बार है कि भारतीय थलसेना भारतीय वायुसेना दोनों इसमें पार्टिसिपेट आपकी कर रहे हैं ना एडिशन याद कर लो बच्चों नहीं तो भूल भाल जाओगे सेवेंथ एडिशन डोगरा रेजिमेंट इसमें आपकी गई हुई है चलो अच्छा ये भी मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज को 2016 17 तक जो है क्या कहा जाता था प्रबल दोस्ती कहा जाता था तो उसके बाद इसका नाम बदलकर कजिन कर दिया गया बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे कहेंगे कजिन होता क्या है तो के जेड फॉर कजिकिस्तान आई एन डी फॉर इंडिया इन्हीं को मिला दो क्या हो जाएगा या फिर कजिंद कजकिस्तान आप सभी डिफेंस वॉरियर्स एस एस क्रैक एग्जाम के सभी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने रिटर्न और एस एस इंटरव्यू की प्रिपरेशन एस एस क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल होकर जरूर कर सकते हैं बंडल स्टेसरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉक टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएगी वॉरियर टेन कोड का जरूर यूज करें अब समय आता है क्वेश्चन ऑफ द रिव्यू क्वेश्चंस का तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज हरिमाउ शक्ति कंडक्टिंग एट या फिर कंडक्टेड एट वेयर चेन्नई मेघालय नई दिल्ली देखो पीस वीस कुछ नेचर नहीं होता भैया प्रदीप समझे कोई आपको गाली देता रहे पाकिस्तान ने पचहत्तर साल तक हमको देखो कितना परेशान किया एक लाख से ज्यादा सिविलियंस भारत में मारे गए हैं पाकिस्तान की बदौलत तो इसीलिए कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए पीस वीस नेचर कुछ नहीं जैसा करोगे वैसा मिलेगा एक करोगे दस देंगे तुमको एंड द राइट आंसर इज इस बार मेघालय में इसको आपका कंडक्ट किया गया है डैश बिकम द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू टेक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेस ऑप्शंस पढ़ते जाएं अपना आंसर आप देते जाएं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एयर मार्शल साधना सक्सेना हु लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव ड्यूरिंग द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हु लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव ड्यूरिंग द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल तो इसको लॉन्च किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वॉट इज द मीनिंग ऑफ द उद्भव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव इनोवेशन ओरिजिन स्ट्रेटेजी या फिर मिलिट्री पावर पढ़ते जाइए लगातार आप सभी आंसर देते जाइए एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी उद्भव का मतलब क्या होता है शुरुआत ओरिजिन ओके नेक्स्ट आपका व्हाट वाज़ द पर्पस ऑफ द इसरोज इसरो टेस्ट फ्लाइट अभी इसरो ने जो गगनयान वाली फ्लाइट की है उसका मेन पर्पस क्या है रीड द ऑप्शन एंड गिव योर करेक्ट आंसर इन योर कमेंट बॉक्स एंड आल्सो लाइक शेयर द सेशन जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डेली बेसिस पे हमारी क्लास होती है और हर दिन सुबह नौ बजे होती है आज मंथली क्लास थी तो इसलिए दस बजे हमने किया क्योंकि रूबी मैम की भी जो है क्लास सुबह आठ से थी ना आठ से नौ साढ़े वो चला जाता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टेस्ट द इफिशियंस ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम। व्हेन इज इंडिया स्केड्यूल टू लॉन्च इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ट्वेंटी 22, 23, 24, 25। भारत अपना पहला स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान कब लॉन्च करेगा पढ़ते जाओ बताते जाओ तो भारत अपना पहला लॉन्च करेगा 2024 में कब 2024 में एक्सरसाइज प्रस्थान 23 कंडक्टेड इन कोची मुंबई काकीनाडा तो एक्सरसाइज जो प्रस्थान है ये आपके काकीनाडा में ये कंडक्ट किया गया कहां पर है आंध्र की तरफ वेयर वॉज द ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी थ्री हेल्ड मुंबई चेन्नई नई दिल्ली कोलकाता Where was the tri services commander conference held And the right answer is option C New Delhi वट इज द पर्पज ऑफ द एस बी आई नेवी ई कैश कार्ड अनवील बाई डिफेंस मिनिस्टर और ये भी देखते जाओ किसका कितना आंसर सही हो रहा है सभी जितने भी इवेंट्स हैं मैंने आपको पहले भी पढ़ा कर रखा है आज हमने उसका रिविजन कर लिया है आप सभी क्या करना अपनी नोट्स जरूर बनाते चलना और इस क्लास को बिल्कुल भी आप ना भूलना जब आपका एग्जाम आएगा ना तो इसकी जो पीडीएफ आपको दी जाएगी उसको सेव करके रखे रहना एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टू फैसिलिटेट ऑफलाइन ट्रांजेक्शन फॉर नेवल पर्सन एट सी अगला क्वेश्चन हु गोन द गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स इन जेवलिन थ्रू एट एशियन गेम्स चार ऑप्शन दिए गए हैं and the right answer is option b to promote international cooperation in disaster response which branch of indian armed forces is hosting 23 edition of annual joint HEDR exercise army navy air force paramilitary forces चलिए तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भारतीय नौसेना अगला क्वेश्चन आपके लिए दिशा एयरबेस ऑफ एयरफोर्स इज लोकेटेड इन सूरत बनासकाठा वापी नन ऑफ भारतीय वायुसेना का जो दिसा एयरबेस है वो गुजरात के किस जिले में स्थित है इन विस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात द दिशा एयरबेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरबेस इज लोकेटेड सो so, ऑप्शन बी इज राइट right, बनासकाठा अच्छा इसका आंसर तो देख लो यार ये था नीरज चोपड़ा एंड किशोर जीना ठीक है हाँ हाँ चेंज हो गया था द समरीन इन द प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव स्कॉर्पियन क्लास पावर्ड बाय द द प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव स्कॉर्पियन क्लास पावर्ड बाय बाई समरी पावर होती है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक प्रपलशन सिस्टम से ऑप्शन ए इज राइट अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ विंग कमांडर रैंक ऑफ एयरफोर्स इज इक्वलेंट टू कमांडर लेफ्टिनेंट एडमिरल या फिर कैप्टन एंड ऑप्शन ए इज राइट ओके प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स मोटो इज जय हिंद सर्वदा शक्तिशाली भारत माता की जय राजप्रथम तो इसका आपका राइट right आंसर है भारत माता की जय सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ ओमान कोलंबिया यूएई या फिर चिली तो सेंटियागो जो आपकी कैपिटल है वो है चिली की। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेब्लिशिंग बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट अलोंग द इंडिया चाइना फ्रंटियर सबसे पहले ऑप्शन आप सभी अच्छे से पढ़ लो उसके बाद अपना आंसर देते जाओ टू इनहेंस डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन भारत चाइना टू कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू प्रोवाइड एडिशनल सर्वेलेंस एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अलॉन्ग द बॉर्डर टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिज्म इन बॉर्डर रीजन्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी टू प्रोवाइड एडिशनल सर्वेलेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग अलॉन्ग दोस्ट वाई इज द एयर फोर्स प्रपोजिंग टू एक्वायर द थ्री एयरबोन इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट टू ट्रांसपोर्ट ट्रुप टू कंडक्ट एरियल सर्वेलेंस टू मॉनिटर एनिमी मूवमेंट्स इन रियल टाइम या फिर टू डिलीवर ह्यूमटेरियन एड लगातार पढ़ते जाए आंसर आपसे भी देते जाए जो कुछ भी आपको डाउट हो तो जरूर पूछिए और इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी टू मॉनिटर एनिमी मोमेंट्स इन रियल टाइम बिकेम द न्यू डीजी ऑफ द बी सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन त्यागी राजीव चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ट्रेनिंग शिप फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड विथ एम डी एल सी एस एल जी आर एस सी या फिर एच एस एल एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन एज द मजगा एस एस बी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मॉस्टर ऑनलाइन कोर्स में इनोल हो जाए क्वेश्चन uh, की तरफ चलते हैं आपको इस प्लेन को आइडेंटिफाई करना है इसका आंसर हम कल के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सो बिफोर यू वाइंड अप दीज आर दी कोर्सेजारी क्रैक एग्जाम बंडल स्टेसरी सभी कोर्सेस के अवेलेबल है क्लास की पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉग टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगी वॉर टेन कोड का जरूर यूज करें जिससे कि आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी